काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में तैनात सुरक्षाकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक सुरक्षाकर्मी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, आईटीआई क्षेत्र में आलू फार्म में गन्ना अनुसंधान केंद्र पड़ता है, जिसमें आज सुबह सूचना मिली थी कि एक जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका नाम राजेश पुत्र रमेश निवासी कुंडेश्वरी है, उसकी कैंपस के अंदर ही सड़क किनारे शरीर प्राप्त हुआ है और मौके पर पुलिस द्वारा देखा गया, उसके द्वारा गोटी भी करी गई थी। ये मनोज कुमार है। ये मनोज कुमार। अच्छा, ये कौन थे आप? ये मेरे ब्रदर थे। क्या हुआ था? ये रात को ड्यूटी पर आए थे 8:15 या 8:20 पर। मुझे कॉल भी की थी कि जब मैं मेडिकल पर था, तो उस समय बोल रहे थे कि ये दवाई ले आना घर के लिए, पापा के लिए। वो फिर वहाँ से फिर यहाँ पर मॉर्निंग में कॉल आई है, फिर हम रहे हैं पर आए। किस आप लोग जब आए तो किस हालत में थे ये? उनका सामान वगैरह कुछ आसपास? जी, सामान वगैरह सब जिसके पास है, फ़ोन, आईडी कार्ड और लाइसेंस। और जो भी है वहाँ के, यहाँ के डिपार्टमेंट के सभी लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी रुकने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे जिसे भी कर रहे हैं हम, वहाँ पे ऊपर भी फ़ोन करा, ऊपर वहाँ पर भी कोई नहीं आया। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें? ये शायद साजिश होगी, क्योंकि कुछ 15 दिन पहले ही हमारे गांव के बीडीसी मेंबर हैं, उन्होंने उनको बताया था भाई ने कि ऐसा है कि वहाँ पर जातिवाद के बारे में बोलते रहते हैं और गाली गलौज भी करते हैं।